हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज ये सीरीज का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? और ये क्वेश्चन SSC 2014 में आया है। इसके चार ऑप्शन कौन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1106 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी, सी 1306 ईस्वी और डी 1406 ईस्वी। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1206 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर होगा दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? ये क्वेश्चन SSC 2017 एग्जाम में आया हुआ है। इसके चार ऑप्शन देख लेते हैं। ए गुलाम वंश, बी सैयद वंश, सी खिलजी वंश और डी गोरी वंश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोरी वंश। इसका पूरा उत्तर है दिल्ली की सल्तनत पर गोरी वंश ने राज नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन BPSC 2011 एग्जाम में आया हुआ है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया और डी बलबन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस प्रकार से हमने अभी तक 3 क्वेश्चन की स्टडी कर ली है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन BPSC 1996 एग्जाम में आया हुआ है। इसके ऑप्शन जान लेते हैं क्या है। ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर और डी लखनौती। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाहौर। इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। क्वेश्चन नंबर 5, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? और ये क्वेश्चन IAS प्री 2003 में आया हुआ है। इसके चार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पोलो, बी कुश्ती, सी मलखम और डी फुटबॉल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोलो। इसका पूरा आंसर जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेल के दौरान हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन SSC 2014 एग्जाम में आया हुआ है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए इल्तुतमिश, बी ऐबक, सी बलबन और डी आरम शाह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन की स्टडी कर लिए है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? ये क्वेश्चन UPPCS 2016 एग्जाम में आया हुआ है। इसके चार ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हैं। ए लाहौर, बी दिल्ली, सी दीपालपुर और डी मुल्तान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। इस क्वेश्चन का पूरा आंसर होगा इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में दिल्ली को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन UPPCS 2016 में आया हुआ है। इसके चार ऑप्शन देख लेते हैं। ए गुलामों का गुलाम, बी राजाओं का राजा, सी कृषकों का मसीहा और डी तीर्थयात्रियों का राजकुमार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुलामों का गुलाम। ये क्वेश्चन का पूरा आंसर है
दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम इस उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये क्वेश्चन SSC 2015 में आया हुआ है। इसके चार ऑप्शन कौन से हैं जान लेते हैं। देखिए, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आलम शाह, सी बलबन और डी इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का पूरा आंसर होगा नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इस प्रकार से हमने टोटल 9 क्वेश्चन की स्टडी कर ली है। अब हम अपने लास्ट और 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? और ये क्वेश्चन UPPCS 2012 एग्जाम में आया हुआ है। इसके चार ऑप्शन देख लेते हैं, कौन से हैं। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी अलाउद्दीन मशहूद शाह। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में टोटल मिला के 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। तो आपको अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।